हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है गोफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग कहते हैं। मैंने टेलनेट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। मैंने टेलनेट में समझाया है टेलनेट क्या होता है, क्योंकि वो सब वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि अवेलेबल नहीं है जल्दी से, आसानी से लोग समझाते नहीं है। और गोफर भी ऐसा ही है, छोटा मोटा टॉपिक है लेकिन लोग समझाते नहीं है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि गोफर प्रोटोकॉल क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों डिक्लाइन किया, और बेसिकली अगर आपको थ्योरी में, असाइनमेंट में, एग्जाम में लिखना है तो आप क्या क्या किस हिसाब से लिख सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोफर प्रोटोकॉल कहां से आया, सबसे पहले यही जानते हैं। तो गोफर प्रोटोकॉल आया था आपको मिनेमोटा से, जो भी आप इसको कहते हैं, मिनेसोटा एक्चुअली, अब ये स्पेलिंग है, आप इसको जो भी कहो, यूके में है ये, तो अब आप इसको जो भी कह सकते हो। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, तो वहां पे आपको उनके स्टेट को गोफर स्टेट भी नाम से जाना जाता था, गोफर स्टेट, और उनके वहां पे एक टीम का नाम था गोल्डन गोफर्स। तो जिस टीम ने ये बनाया था, जो भी आपको टेक्नीशियन टीम थे कंप्यूटर वाली, कोडिंग वाली, तो उनका जो टीम का नाम था वो था गोल्डन गोफर्स। तो उन्होंने ये बनाया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया गोफर प्रोटोकॉल। तो ये है क्या बेसिकली, अगर आप इसका डेफिनेशन जानेंगे तो गोफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि सिंपल आपको जैसा टेलनेट में मैंने बताया था, इसका भी लगभग थोड़ा मोड़ा वैसा ही काम है। तो काम यही है कि यार, जो आपको रिमोटली बेस्ड वेब सर्वर्स होते हैं, तो उनके पास जो डेटा होता है वो देखने के लिए गोफर्स को यूज किया जाता है। बेसिकली शुरू किया गया था इसको टेक्स्ट बेस्ड डेटा को दिखाने के लिए, कोई रिमोट बेस्ड सर्वर है मान के चलिए यूके में, यूएसए में, और आप इसको इंडिया में देख सकते थे बैठ के गोफर को यूज करके। तो ये एक्चुअली 1990s के आसपास का है, जब HTTPS नहीं आया था उसके पहले। तो HTTPS के आने के बाद ही ये फेल हुआ था, और उसके बाद इसका डिक्लाइन फेज शुरू हो गया था, और अब तो ये केवल दो सर्च इंजन्स के थ्रू ही आप इसको देख सकते हैं। अगर आप गोफर्स के अगर आप देखना चाहते हैं तो आप केवल दो उसके सर्च इंजन से आप उसके थ्रू देख सकते हो। लेकिन पॉइंट इज कि ये गोफर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिमोट बेस्ड सर्वर एरिया, रिमोट बेस्ड सर्वर्स को आप गोफर के थ्रू आप कनेक्ट करके आप जहां चाहे वहां डेटा ले सकते थे। तो एक तरह से ये डेटा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, जैसा कि आप, जैसा मैंने टेलनेट में, या फिर TCP/IP भी होता है, तो FTP भी उसका नया रूप आप बोल सकते हैं। लेकिन गोफर का काम यही था, पहले तो वो डेटा, जो टेक्स्ट डेटा होते थे, उसको वो अपने वेब, आपके रिमोट वेब सर्वर से उठा करके आपको अपने डेटा तक दिखाता था। लेकिन बाद में इमेजेस भी आपको, फिर थोड़े हल्के छोटे मोटे वीडियोस भी, वो भी इधर से उधर आपको गोफर करने लगा था। अब पॉइंट इसकी यार, ये इतना अच्छा था तो HTTPS ने इसको क्यों टेक ओवर कर लिया, या क्यों ये डिक्लाइन कर गया? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो हैं, जो HTTPS बनाया जिन्होंने, तो मिनेसोटा जिस प्रोफेसर ने, जिस आदमी ने लीड किया था, जिस टीम ने, तो अब यहाँ से ये ऐसा खेल खुलता है 1990 के बाद में कि उन्होंने इस चीज़ के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया बाकी लोगों से। तो अब जब चार्ज करना शुरू किया तो लोगों को लगने लगा कि यार मेरे ऊपर भी चार्ज आएगा, कुछ लेने लगेंगे मुझसे बाद में, तो उसलिए यूज़ गोफर का कम होने लगा। उसके साथ HTTPS आ गया, तो यहाँ से ये दोनों एक जरिया बना कि गोफर नीचे और HTTPS का यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू बढ़ गया ज़्यादा। तो ये गोफर के डिक्लाइन फेज का कारण बना था, और उसके बाद से HTTPS इसका सक्सेसर था। तो इसीलिए HTTPS उसके बाद से 1995-6 के आसपास के बाद से शायद HTTPS यूज होने लगा था। तो ये है मेन गोफर प्रोटोकॉल। अब इसको आप डेफिनेशन में लिखना चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उसको देख करके एग्जाम पर्पस के लिए थ्योरी जो होती है एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो, और साथ में असाइनमेंट्स GDs या PPTs के लिए भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। लेकिन जो बेसिकली आपको समझना चाहिए वो मैंने गोफर प्रोटोकॉल में अभी समझा दिया है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे पर्सनली मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।